Copyright disclaimer. All materials in these videos and audio are used for entertainment purposes and fall within the guidelines of fair use. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. No copyright infringement intended. All rights belong to their respective owners. If you are, or represent, the copyright owner of materials used in this video, and have an issue with the use of said material, please send an email to _mananzalarichard30@gmail.com. Welcome to our video, where we bring you the ultimate solution for running Android apps and games smoothly on low-end devices. If you're struggling with a 1GB RAM, no VT, or a dual-core PC, we have the perfect Android emulator for you. Say goodbye to sluggish performance and limited functionality, and get ready to experience the fastest and lightest Android emulator designed specifically for your system's limitations. मुझे एक कमेंट बहुत ज्यादा आता है कि भाई हमारे सिस्टम में कोई भी एमुलेटर नहीं चलता। हम जो भी एमुलेटर की वीडियोस देखते हैं उसको ट्राई करते हैं, या तो वो लोडिंग पे स्टक हो जाता है या फिर वो ब्लैक स्क्रीन का इश्यू दे देता है। अगर गेम चलता है तो वो लैग करता है। ये जो वीडियो है ये उन्हीं यूजर्स के लिए है। अगर आपके सिस्टम में 1GB रैम है मैटर ही नहीं करता, क्योंकि ये जो एमुलेटर है, पहली बात तो ये है कि यूट्यूब पर किसी ने भी आपको ये एमुलेटर दिया ही नहीं होना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ये जो एमुलेटर है इसका लिंक मैंने अपने कुछ सब्सक्राइबर्स को दिया था, जो कि मेरी वीडियोस के नीचे अक्सर कमेंट करते हैं कि भाई हमें कोई भी एमुलेटर नहीं चलता। मैंने उन्हें इसका लिंक दिया, मैंने कहा भाई अब टेस्ट करके बताओ ये चल रहा है कि नहीं। आप यकीन करेंगे 80% लोगों का ये एमुलेटर स्मूथली जो है वो चल गया। तो सोचा क्यों ना मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूं। कुछ लोगों का ये नहीं चला, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि कुछ उन्होंने गलतियां करी थी या फिर कुछ सेटिंग इसकी मैं बताऊंगा, जो कि 4 लो एंड पीसी एंड पॉसिबल लो एंड सेटिंग है। एंड इसको बनाया ही उस टाइम पर गया था जिस टाइम पे विंडो एक्सपी में भी 1GB रैम बहुत हैवी मानी जाती थी। तो यहाँ पर आप सोच सकते हो कि कितना लो एंड एमुलेटर होगा। ये एमुलेटर आपके सिस्टम में चलेगा भी एंड एप्लीकेशन को भी मक्खन चलाएगा, वो मैं सारा इस वीडियो में बताऊंगा। बेस्ट सेटिंग बताऊंगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताऊंगा। इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करोगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी यूट्यूब से वीडियोस देखने की जान छूट जाएगी। आपको कभी भी बेस्ट एमुलेटर फॉर लो एंड पीसी यूट्यूब पर टाइप नहीं करना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके। सबसे पहले आपने करना है कि ये EXE डाउनलोड करना है। मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे कमेंट सेक्शन वाले लिंक से ही डाउनलोड करें। मैं डेली एक वीडियो अपलोड नहीं करता, मेरी दो तीन चार दिन बाद एक वीडियो आती है और वो काम की होती है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसको इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली आपने इसको एडमिनिस्ट्रेटर पे लॉन्च करना है। जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटर पे लॉन्च करेंगे तो यहाँ पर आप बोलेंगे ये मेमू है। भाई ये मेमू बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मेमू अब के टाइम पे बहुत हैवी हो चुका है, लेकिन ये जो एमुलेटर है, ये जो मेमू है, इसका UI ISO सब कुछ चेंज है। इसके अंदर आपको जो एंड्रॉइड मिलता है वो भी बिल्कुल चेंज है। सिंपल आपने करना क्या है, ब्राउजर के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपने दिस पीसी के अंदर चले जाना है एंड यहाँ पर आपको लोकल शो हो जाएंगे। आपने इसको कोशिश करना है कि अपनी विंडोज वाली लोकल पर इंस्टॉल करो। यहाँ पर मैंने न्यू फोल्डर इसका जो है वो यहाँ पे बनाया हुआ, आपने फोल्डर बना लेना है, वरना आप मेक अ न्यू फोल्डर पे क्लिक करके फोल्डर बना सकते हो। तो मैं इसको एमुलेटर वाले फोल्डर के ऊपर सेलेक्ट करूंगा एंड हिट इंस्टॉल। तो जैसे आप अपना एमुलेटर इंस्टॉल करोगे आपने फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा मल्टी करके, जिसको कि आपको डिलीट कर देना, इसका कोई भी काम नहीं है। दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पे मेमू करके, जो कि आपकी मेन EXE फाइल है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जो ये ध्यान से देख लेना, कंपेटिबिलिटी में जाए एंड मेक श्योर करें सारे ऑप्शन आपके अनचेक होने चाहिए, इनमें से कोई भी टिक नहीं होना चाहिए एंड इट ओके। उसकी मेन रीजन ये कि एमुलेटर बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर को सपोर्ट करता है। तो जैसे आप ये कर ले, एक चीज जरूर करनी है कि आपने अपने सिस्टम में सारे ड्राइवर्स को अपडेट करना है। ड्राइवर्स अपडेट कैसे करना है, मैंने वीडियो बनाई, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन होगी। उसके बाद अब एमुलेटर चलें। अब आपका विजुअल का इशू होता है तो देखिए, ये जो एमुलेटर या कोई भी सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको चलने के लिए कुछ उसकी रिक्वायरमेंट होती है। डायरेक्ट टेक्स फ्रेमवर्क, ये सारी चीजें चाहिए होती है। एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ, वन क्लिक पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। तो फिलहाल अभी हम करते हैं अपने एमुलेटर को लॉन्च करते हैं। अच्छा जी, तो ये एमुलेटर हमारा चल चुका है। मुझे पता है कि आपने पहली दफा इस एमुलेटर को देखा होगा या फिर पहली दफा आप इस एमुलेटर को देख रहे हैं।
एंड सबसे बढ़ के ये एमुलेटर लोड ही नहीं डाला है, क्योंकि भाई जब ये एमुलेटर था ना, बहुत पुराना एमुलेटर है भाई, वब के टाइम पे विंडो एक्सपी करते थे उस टाइम पे इतनी हैवी एप्लीकेशन, इतनी हैवी रैम, ये सब चीजें नहीं होती थी। जितने भी यूजर होते थे ना वो मिड रेंज पीसी यूजर होते थे, तब का इस एमुलेटर को बनाया गया है, तो आप इजी होकर कोई भी एप्लीकेशन इस पर रन कर सकते हैं। तो जैसे हमारा एमुलेटर चलता है, अब सिंपल सी चीजें आप मेरी सुन लेना, बहुत काम की चीजें बताऊंगा, जिनके यूजर का अटक रहा था या जिनका इशू आ रहा था उनका फिक्स बता रहा हूँ। आपने जाना है अपने एमुलेटर की सेटिंग में। अब इसके अंदर ना आपको स्पेसिफिकली वैसे कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, पहले चेक करें नहीं चल रहा तब सेटिंग की तरफ बढ़े। यहाँ पर कोर को वन कर दें, रैम को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, कस्टम रेजोल्यूशन के अंदर जाना है एंड इधर से आपने 800 600 191, ये डीपीए बहुत है वरना 240 वाला डीपीए रख सकते हैं, मैं यही डीपीए के अंदर जाऊंगा। इसी के साथ साथ आपको इसके अंदर शेयर फोल्डर देखने के लिए मिलता है, कोई फाइल इसके अंदर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं, सेव करके यहाँ से इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं एक दफा। तो ये देखिए सेटिंग अप्लाई हो चुकी है, इसको करने के बाद आपका गेम लैग नहीं करेगा। अगर इसके एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 4.2.2 देखने के लिए मिलता है। अगर इसके डेवलपर ऑप्शन को आप एनेबल करना चाहें तो अपने 5 दफा बिल्ड नंबर के ऊपर क्लिक करें, बैक वाले ऑप्शन के अंदर जाएं, डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाएं। वैसे इसके अंदर कोई स्पेसिफिकली सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, बस आप ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स को बंद कर दीजिएगा कि जिससे कि आपका अगर लो एंड पीसी, हालांकि लो एंड पीसी में चलता है, इसको भी हैंडल नहीं कर पा रहा तो इसको ऑफ कर दें। 4MSA को भी यहां से आपने ऑन कर देना है एंड बैकग्राउंड प्रोसेसर लिमिट मेन चीज है इसको एटलीस्ट 1 कर देना। मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ा। बैक वाले ऑप्शन के अंदर जाएं, इस एमुलेटर के अंदर आपको जो एप्स देखने के लिए मिलते हैं वो लिमिटेड देखने के लिए मिलते हैं, तो मेक श्योर करें किसी भी एप्लीकेशन के अंदर छेड़खानी ना करें परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के चक्रों में। फिलहाल करते हैं इसको बंद कर देते हैं। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आप स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, की मैपिंग की हम आगे जाके बात करेंगे, शेक वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं अगर इसको आप मोबाइल स्क्रीन पर लाना चाहें, एपीके इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम स्पेसिफिकली एपीके पड़ा है। यहाँ पर आपको एक क्लीन का ऑप्शन मिलता है कि अगर आपके सिस्टम हैंग हो रहा है, आप एप्लीकेशन चला रहे हो तो हैंगिंग प्रॉब्लम आ रही है, एक दफा इसके ऊपर क्लिक कर देना एंड यहाँ से आपको मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का भी ऑप्शन मिलता है जो कि आपके किसी काम का नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। पहले मैं आपको ऑफलाइन मेथड बता देता हूं। तो ये जो गेम्स है मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं पड़े हुए हैं, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए जो भी आपके पास फाइल पड़ी है अगर आप इसके अंदर एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, उस फाइल को कट कर लेना है। कट करने के बाद अपने सिस्टम में जाना है दिस पीसी में एंड यहाँ पर अपने डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर जाना है, या फिर आप ढूंढ सकते हैं यहीं कहीं आपको डाउनलोड्स का फोल्डर मिल जाएगा। ये मेरा डाउनलोड्स का फोल्डर है एंड मेमो डाउनलोड का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, आपने इसके अंदर जाना है एंड यहाँ पर लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ से हमें मेमो एमुलेटर को लॉन्च करना है। यहाँ से EX फाइल इसके अंदर इनबिल्ट देखने के लिए मिलता है, नो प्रॉब्लम, एंड यहाँ पर डाउनलोड्स वाले फोल्डर में जाना एंड वो जो एप्लीकेशन है आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देख सकते हैं ये इंस्टॉल नहीं हुआ। ये जो एमुलेटर है ये अपने एप्लीकेशन उठाना रिकमेंड करता है, अगर आप बाहर से कोई ऐप करेंगे तो वो नहीं चलेगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं। कुछ एप्लीकेशन चल जाएंगे बट सारे एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं चलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एप्लीकेशन किस तरीके से इंस्टॉल करोगे। बेस्ट मेथड है 3 डॉट्स पे क्लिक करें एंड गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से गूगल प्ले स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड एग्जिस्टिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं ईमेल एंड पासवर्ड डाल के साइन इन हो जाता हूँ। तो इस तरीके से आपने अपने अकाउंट को साइन इन कर लेना। मेरे कुछ यूजर को इशू आ रहा था, अगर आपको एरर आ रहा है तो आपने जस्ट करना बैक करना है। आपने कोशिश करनी है कि गूगल प्ले स्टोर को आपने 15 मिनट तक लॉगिन नहीं करना। 15 मिनट तक लॉगिन करने का क्या लॉजिक है, एप्स को अपडेट करता है, आपको वो शो नहीं होंगे लेकिन ये बैकग्राउंड में अपडेट करता है। अगर आपकी वाईफाई की स्पीड बहुत अच्छी आती है, डाउनलोडिंग स्पीड आती है भाई आपकी 3 से 4 MB, तो आपने करना है 5 मिनट वेट करना। अगर आपकी स्पीड KBM में आती है तो आपने 15 मिनट वेट करना है, तब आप इसके अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसमें ऐप नहीं इंस्टॉल कर सकते। ये मैं पहले ही बता दूं, ये मत करना, ओपन नहीं हुआ कमेंट करना मत, शुरू कर देना भाई, वेट कीजिएगा। तो यहाँ से हम करते हैं, यहाँ पे फ्री फायर लिख देते हैं। अगर आपको यहाँ से फ्री फायर शो नहीं हो रहा, थोड़ा सा वेट करना भाइयों, आपका शो हो जाएगा। तो इधर आप देख सकते हैं फ्री फायर यहाँ पे शो हो चुके हैं। मैं फ्री फायर इंस्टॉल करके आपको नहीं दिखाऊंगा। ये देखें अपने खुद ही एप्लीकेशन ये अपडेट कर रहा है, यहाँ पे गूगल प्ले गेम्स सब कुछ ही खुद ही अपडेट कर रहा है। अगर आप इंडिया कंट्री से किसी ऐसी कंट्री से हैं जहाँ पे फ्री फायर बैन करा गया है, तो जस्ट सिंपल टाइप करिए VPN, यहाँ पर आपको VPN देखने के लिए मिल जाएंगे। कोई सी भी कंट्री आपकी जो है उसको चेंज करने के लिए आपने किसी भी VPN को इंस्टॉल करना है एंड वहां से अगर आप इंडिया से तो आप USA की कंट्री से में आ जाएं, वो कंट्री जहाँ पे फ्री फायर बैन नहीं है उस कंट्री पे आकर आप फ्री फायर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं हील
ऑफलाइन गेम को इंस्टॉल करूंगा। ये बहुत ही पॉपुलर गेम है एंड मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, तो भाई मैं इसी को इंस्टॉल करूंगा। आप अपने चाहे जो भी गेम्स है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, मुझे पता है आपको टेस्ट करके दिखाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो ऐप है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर आपको शॉर्टकट भी यहाँ पे मिल जाएगा। देखें मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अपनी कुछ सर्विस इंस्टॉल कर रहा है, ये आपके सामने है, ये खुद ही इंस्टॉल कर रहा है। ये ओल्ड है तो इसलिए अपने आपको ये एंड्रॉइड है उसको अपग्रेड करेगा, अपनी जो फाइल्स है उनको अपग्रेड करेगा, तब जाकर ये आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। अभी आपने इसको डिपेंड नहीं करना। मेरा भी बहुत अटक रहा है, उसकी मेन रीजन ये कि बैकग्राउंड में ये अपने प्रोसेस को चला रहा है। अब यहाँ पर हमारा गेम चल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोल रहे हैं कि भाई ब्रेक का बटन ये वाला है एंड पुश का। अब अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी गेम की होगी मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा, आपने कीबोर्ड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप रेसिंग गेम खेल रहे हैं तो आपने ये टिल्ट वाले बटन को सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप यहाँ पे माउस लो करना है, शूटिंग गेम खेल रहे हो तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक शूटिंग के लिए आपने ये वाला बटन यूज करना है एंड इसी के साथ साथ आपको व्हील का बटन देखने के लिए मिलता है, लेकिन फिलहाल अभी हम स्पेसिफिकली इस बटन को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अभी इसकी सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने करा गया, यहाँ पे डी का बटन रख दिया एंड यहाँ पे मैंने का बटन रख दिया, ठीक है, पीछे जाने के लिए इसका आगे। एंड यहाँ पर आपने सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी की मैपिंग सेव हो चुकी है। मैं टच स्लॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड माउस को साइड पे ले जाता हूँ। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ये टिक लग चुका है, मीन सेटिंग वर्किंग है। ये देख सकते हैं की मैपिंग वर्क करी है, ब्रेक का बटन दबाया एंड ब्रेक हो रही है एंड यहाँ से आगे जाने वाला बटन हमारा वो भी वर्क कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें एप्लीकेशन रन कर सकते हो। तो भाई ये था एमुलेटर जिसको अपने लो एंड पीसी में रन कर सकते हो। एक चीज मैं बता दूं कि इन आइडियाज को फाइंड करने में बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा रिसर्च लग, भेड़ बकरियों की तरह मैं एक ही एमुलेटर के पीछे नहीं पड़ जाता कि भाई एक एमुलेटर सबने बताया मैं भी उसके पीछे पड़ जाऊं। नहीं, अलग कंटेंट मैं लाता हूं, मेरी कोशिश होती है सबसे अलग चीज लाऊं एंड सबसे यूनिक एंड बेहतरीन चीज लाऊं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। And that's a wrap on our video showcasing the fastest and lightest Android emulator tailored for 1GB RAM, no VT, and dual core PCs. We hope you found this information helpful in your quest to enjoy Android apps and games on your low-end device. With this emulator, you can now unlock a world of possibilities and expand your device's capabilities without breaking a sweat. Don't let hardware limitations hold you back any longer. Unleash the power of Android right on your fingertips. Thank you for watching, and stay tuned for more exciting tech content.